नमस्कार ट्रेनीज, मैं अनुराग सक्सेना आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं इंस्ट्रक्टर कम्युनिटी खास पेशकश आईटीआई फिटर थ्योरी सेकंड ईयर के ऑनलाइन क्लासेस में। तो ट्रेनीज, आज का जो वीडियो हमारी लास्ट वीडियो होने वाली है इस सीरीज की। हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम फिटर थ्योरी सेकंड ईयर का आपको 100% मटेरियल पूरा सॉल्व करके देंगे अपने चैनल में। तो आज हमारी ये अंतिम वीडियो है और इसके साथ ही आपके जो थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी मॉड्यूल आपके भारत स्किल्स की वेबसाइट में दिए हैं, वो हमने सॉल्व कर दिए हैं विद कॉन्सेप्ट से। तो आप जो भी टॉपिक्स देखना चाहते हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, और वहाँ पे आपको पूरा अपना जितना सेकंड ईयर का कोर्स है वो उपलब्ध हो जाएगा। इसके साथ ही आपको ITI इंजीनियरिंग ड्राइंग फिटर सेकंड ईयर का भी हमने सारे इंपॉर्टेंट MCQs विद कॉन्सेप्ट्स इस चैनल में सॉल्व करे हुए हैं, तो आप उनको भी विजिट कर सकते हैं, उनका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इसके साथ ही वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का भी हमने 100% सिलेबस सॉल्व करके अपने चैनल में डाला हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी इस सीरीज की अंतिम वीडियो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से, जो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कहता है व्हाई 2 और 4 होल्ड डाउन स्लॉट्स आर प्रोवाइडेड इन द बेस प्लेट ऑफ मिलिंग फिक्सचर। ठीक है, जैसे कि ये हमारी पार्ट 2 है, जिग्स ड्रिल जिग्स चैप्टर का नाम हमारा था, तो उसका ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, जहाँ पे हमने जिग्स और फिक्सचर को डिटेल में समझा था कि उनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, कहाँ पे हमको जिग यूज करना है, कहाँ पे फिक्सचर यूज करना है। ठीक है, बेसिकली मैं आपको बता दूँ, जिन्होंने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है, जिग्स हमारे ऐसे बेसिकली एक तरह का जुगाड़ होता है, ठीक, जो हमारा जो वर्कपीस है उसको पकड़ता भी है और टूल को गाइड भी करता है कि टूल को कहाँ पे ड्रिल करना है, कहाँ पे हमको प्रोसेस करनी है। मगर जो फिक्सचर होता है हमारा, सिर्फ और सिर्फ वर्कपीस को होल्ड करने के काम आता है। जिस प्रकार से आपकी जो वाइस है, वाइस क्या होती है, सिर्फ आपके जॉब को पकड़ती है, क्लैंप करती है, तो वो एक प्रकार का फिक्सचर हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में बोलता है जो हमारा मिलिंग फिक्सचर होता है उसके बेस प्लेट में 2 या 4 होल्ड डाउन स्लॉट क्यों प्रदान किए जाते हैं। ठीक, अब देखिए किस चीज़ की बात कर रहा है। ये देखिए, यह हमारा एक मिलिंग मशीन की बेस, मिलिंग मशीन का बेस है। तो देखिए, जब भी आप कंपनी में जाएंगे, आपने अपने ITI में वर्कशॉप में देखा होगा, जैसे जो खासकर जो आपकी मशीन शॉप होती है, जहाँ पे मशीनिस्ट ट्रेड के या फिर टर्नर ट्रेड के बच्चे काम करते हैं, वहाँ पे आप देखेंगे जो शेपर मशीन, सॉरी, ये जो मिलिंग मशीन होती है उसका इस तरह से, यहाँ पे जो टेबल होती है यहाँ पे इस तरह से स्लॉट्स बने होते हैं। ठीक है, जो ड्रिलिंग मशीन होती है फिटर ट्रेड में, वहाँ भी आप देखेंगे इस तरह से स्लॉट्स बने होते हैं। तो ये स्लॉट्स, टी स्लॉट्स जो होते हैं उसको फंसाने का काम आती है, जिससे हम अपनी वाइस को उसमें क्लैंप करते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है, जैसे ये कोई फिक्सचर है, मान लीजिए इसके नीचे इस तरह से खांचे बने होंगे, इसके नीचे भी, तो ये खांचे क्यों बने होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन से आप खुद ही आंसर कर पाएंगे। ऑप्शन है कठोर क्लैंपिंग के लिए, ऑप्शन बी टूल को गाइड करने के लिए, ऑप्शन सी वर्कपीस को लोकेट करने के लिए, ऑप्शन डी जॉब सेटिंग को समायोजित करने के लिए। तो सीधी से इसका आंसर है कठोर क्लैंपिंग के लिए। ठीक है, फॉर रिजिड क्लैंपिंग। अगले क्वेश्चन में कहता है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन के क्या फायदे हैं। ये एक कॉन्सेप्ट आता है फिटर थ्योरी में जिसको हम मास प्रोडक्शन कहते हैं। मास प्रोडक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज को बहुत बड़े स्केल में उसका उत्पादन करना। जैसे आप लोग समझ सकते हैं, आजकल पेन बनते हैं तो सिर्फ 1 या 2 पेन नहीं बनते, वो लाखों हजारों की संख्या में सेम मॉडल के सेम पेन बनते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर कोई बाइक बन रही है तो बाइक का सिर्फ एक मॉडल नहीं बनता है, उस बाइक के हजारों मॉडल बनते हैं। एक कार बनती है तो सिर्फ एक कार नहीं बन रही है, मैं आम कारों की बात कर रहा हूँ। अगर आप एक्सपेंसिव कार्स के बारे में जाएंगे, लग्जरी कार्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जो हमारी जो नॉर्मल कार्स होती हैं उनका हजारों मॉडल होंगे निकलते हैं। तो इन सबको हम क्या बोलते हैं, मास प्रोडक्शन। ठीक, तो ये बोल रहा है कि इस मास प्रोडक्शन के फायदे क्या होते हैं। तो ऑप्शन आपके सामने, प्रारंभिक व्यय कम लगता है। ऑप्शन बी, जिग्स और फिक्सचर की जरूरत नहीं पड़ती, एकदम गलत है। जिग और फिक्सचर का मेन उपयोग यही होता है कि ये जल्दी में मास प्रोडक्शन में हमारी हेल्प करते हैं। ऑप्शन सी कहता है मैन्युफैक्चरिंग की लागत और समय कम हो जाता है, और ऑप्शन डी कहता है विशेष प्रायोजन की मशीनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो ऑप्शन सी हमारा सही है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत बड़े स्केल में प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी लागत हमको कम पड़ती है। अगले क्वेश्चन में फिगर बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हमसे पूछता है व्हाट इज द नेम ऑफ द जिग। आपके सामने फिगर है और आपको इसमें इसका नाम बताना है। ठीक है, वैसे तो मैं हर वीडियो में रिपीट करता हूँ क्योंकि ये इस सीरीज की लास्ट वीडियो है, तो इसमें भी रिपीट करूँगा
कि फिगर वाले क्वेश्चन ना छोड़ के जाएं। कई बच्चे क्या करते हैं, वो एग्जाम से कुछ मूवमेंट पहले ही इस वीडियो को देखते हैं या भारत स्किल पढ़ते हैं और वो जल्दबाजी में फिगर वाले क्वेश्चन नहीं देख के जाते हैं और यहीं पे सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपको मिनिमम 40% क्वेश्चन फिगर वाले देखने को मिलेंगे, ठीक है। लगातार मैं देख रहा हूँ फिगर वाले क्वेश्चंस बहुत निमी पूछता है, तो कृपया करके फिगर वाले क्वेश्चंस को छोड़ने की गलती मत करना। दे आर वेरी इजी टू आंसर, बहुत आसान है फिगर वाले क्वेश्चंस में नंबर लेना, आपको सिर्फ याद करना है। अब देखिए, अब जैसे आपके सामने फिगर आपसे पूछा है कौन सा जिग है, तो ऑप्शन है बॉक्स जिग, ड्रिल जिग, पोस्ट जिग, लीव जिग। अब सीधे सीधे आपको बॉक्स जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 18 का ए, बॉक्स जिग इज द राइट आंसर। तो बॉक्स जिग इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में पूछता है व्हाट इज द मेथड ऑफ ल्यूब्रिकेशन। आपके सामने एक डायग्राम बनाया आपको बताने की ल्यूब्रिकेशन का कौन सा मेथड है। ल्यूब्रिकेशन से आप समझते ही होंगे, ल्यूब्रिकेंट जिनको हम स्नेहक भी कहते हैं, जब कहीं कोई पार्ट्स आपस में रगड़कर चलते हैं, ठीक है, तो उसमें घर्षण उत्पन्न होता है। जैसे कि आप अपनी साइकिल में भी देखते हैं, जब आप साइकिल चलाते थे बचपन में तो उसमें तेल, ऑयल या फिर ग्रीस वगैरह डालते थे उसमें घर्षण कम करने के लिए, तो उसी तरह से घर्षण कम करने का उसको स्नेहक उस स्थान तक पहुंचाने के भिन्न भिन्न मेथड होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है जो आपको अभी इमेज में दिखाया गया है ये कौन सा मेथड है, तो ये है हमारा फोर्स फीड मेथड, ठीक। अबे फोर्स फीड हमको कैसे पता चला, हमको पता चला इस पंप से, ठीक है। तो जो फोर्स फीड सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, एक पंप होता है जिसकी मदद से उसको फोर्स लगा के उसके पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, तो ये हो गया फोर्स फीड सिस्टम। अगले क्वेश्चन में कहता है विच बुश इज यूज टू प्रोवाइड अ हार्डन्ड होल फॉर रिन्यूएबल बुशेस। रिन्यूएबल बुशेस के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है लाइनर बुश, ठीक है। तो याद रखेंगे सब लोग, लीनियर बुश। तो जो हमारा लीनियर बुश होता है ये किसके लिए यूज होता है, कठोर छेद प्रदान करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक। बुश कई लोग कंफ्यूज मत होना, मैंने पिछली वीडियो में बताया था बुश का क्या काम होता है, ठीक है। फिर आपको दिखा देते हैं, ये देखिए ये इस प्रकार का एक बुश है, ठीक। बुश बेसिकली क्या करता है, एक गेटवे देता है कि जिसके अंदर ड्रिल हमारा जाके अपना जहां पे स्थान पे उसे ड्रिल करना है वहां तक पहुंच सके। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लैंप। आपको फिर डायग्राम दिया है और आपको क्लैंप का नाम बताना है, तो बिना देखे सीधे सीधे आपको यहां पे स्क्रू दिख रहा है, ठीक। ये देखिए यहां पे स्क्रू आपको दिख रहा है, तो ये कौन सा क्लैंप हो जाएगा, स्क्रू क्लैंप। तो 21 का बी, स्क्रू क्लैंप इज द राइट आंसर, ठीक। मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि हम जिग्स और फिक्सचर्स में क्लैंप क्यों लगाते हैं। क्लैंप का बेसिकली एक ही काम होता है कि जो भी हम वर्कपीस जिग या फिक्सचर के अंदर डाल रहे हैं उनको पकड़ने के लिए हम क्लैंप का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है विच डिवाइस इज यूज टू होल्ड, लोकेट एंड नॉट गाइड द कटिंग टूल ड्यूरिंग मशीनिंग ऑपरेशन। मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान कटिंग टूल को सिर्फ पकड़ना, लोकेट करना और गाइड नहीं करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये किसकी डेफिनेशन है, ये फिक्स्चर की डेफिनेशन है, ठीक है। जिग मैंने आपको बताया था हमारे वर्कपीस को होल्ड का भी करेगा, प्लस जो हमारा टूल है जैसे ड्रिल बिट है उसको गाइड भी करेगा। गाइड का मतलब उसको बताएगा कि कहाँ पे होल करनी है, कहाँ पे प्रोसेस करनी है, ठीक। तो जिग को आप समझ सकते हैं कि वर्कपीस को होल्ड भी करेगा और टूल को गाइड भी करेगा, ठीक। और जबकि हमारा फिक्स्चर क्या करता है, फिक्स्चर का सिर्फ एक ही काम होता है कि जो हमारा वर्कपीस है उसको होल्ड करके रखना है मजबूती से, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन इसमें पूछे हैं, एक में आपको जिग की परिभाषा पूछी है पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पे क्या है आपको फिक्स्चर की डेफिनेशन पूछी है। तो मोस्ट प्रोबेबली इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आएगा, दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में कहता है विच टाइप ऑफ फिक्स्चर प्रोवाइड एन ईजी मेथड ऑफ होल्डिंग पार्ट्स ऑन मशीनिंग। किस प्रकार का फिक्स्चर में मशीनिंग के लिए भागों को पकड़ने के लिए एक आसान तरीका प्रदान किया जाता है, ठीक है। सीधे सीधे आपसे बोल रहा है जो हम जनरल मशीनिंग करते हैं, ठीक, उसमें हम कौन से फिक्स्चर का उपयोग करते हैं। अब देखिए ऑप्शंस देखिए, टर्निंग फिक्स्चर टर्निंग में यूज होता है, ठीक। अगला है वाइस फिक्स्चर, उसके बाद है मिलिंग फिक्स्चर, जो मिलिंग फिक्स्चर है मिलिंग मशीन में यूज होगा। उसके बाद ग्राइंडिंग फिक्स्चर, जो ग्राइंडिंग फिक्स्चर है वो ग्राइंडिंग मशीन में यूज होता है, ठीक। जो हमारा साधारण मशीनिंग में कौन सा यूज होता है, वाइस फिक्स्चर यूज होता है, ठीक। सीधे सीधे बोलना है ना, होल्डिंग पार्ट्स फॉर मशीनिंग, कोई स्पेशल मशीन तो इसने बोली नहीं,
आती तो सभी है मशीनिंग में है, मैं कोई स्पेशल मशीनिंग तो इसलिए बोली नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा वाइस फिक्सचर। अगले क्वेश्चन में कहता है विच पार्ट रेस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग। विच देखिए ऑप्शन है क्लैंप, गाइड प्लेट, लोकेटिंग पिन या प्रेस फिट बुश। तो आपको बताना है कि जिग में वो कौन सा पार्ट है जो हमारे जॉब को करेक्टली अलाइन करने के काम आता है। तो देखिए ये देखिए जैसा हमारा जिग है ठीक, ये आपका बुश हो गया। अब देखिए अब जैसे हमने यहाँ पे अपना क्या है वर्क पीस रखा है, तो वर्क पीस किस पोजीशन पे रखना है ये आगे पीछे भी हो सकता है ना यहाँ से, तो इनको इनके लिए हम लगाते हैं लोकेटिंग पिंस। ठीक है, वर्क पीस को सही से पोजीशन करने के लिए हम लोकेटिंग पिंस का यूज करते हैं। इसको क्लैंप के साथ कंफ्यूज मत करिएगा, क्लैंप का काम होता है जॉब को टाइट से पकड़ना। ठीक है, और बुश का काम क्या हो गया, ड्रिल जो हमारा ड्रिल बिट वगैरह आ रहा है उसको एक रास्ता देना। ठीक है, तो ये हो गया हमारी लोकेटिंग पिंस, ये इस तरह से भी दिखती है लोकेटिंग पिंस, इनका डायग्राम आप देख सकते हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लोकेटिंग पिंस। विच पार्ट रेस्ट्रिक्ट इनकरेक्ट लोडिंग ऑफ कंपोनेंट इन जिग, तो करेक्ट लोकेशन के लिए हम लोकेटिंग पिंस का यूज करते हैं। अगले क्वेश्चन फिर से फिगर बेस है, इस जिग का प्रकार क्या है, आपको जिग का नाम बताना है। तो ये है इंडेक्सिंग जिग, ठीक है नाम याद रखेंगे इसके फिगर से, यह है इंडेक्सिंग जिग। अगले क्वेश्चन में बोलता है व्हाई टेनेंट्स आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम ऑफ बेस प्लेट फॉर मिलिंग फिक्सचर। मिलिंग फिक्सचर के बेस प्लेट के निचले भाग में टेनेंस क्यों प्रोवाइड किए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है फिक्सचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए, फॉर प्रॉपर लोकेशन ऑफ फिक्सचर। हम क्या करते हैं फिक्सचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए जो हमारा मिलिंग फिक्सचर होता है उसके नीचे टेनेंस को प्रोवाइड करते हैं। टेनेंस क्या होते हैं, इस तरह से होते हैं, देखिए ये देखिए इस तरह से टेनेंस होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने आपको टी स्लॉट्स दिखाया था तो उसमें जाके फंस जाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो यहाँ पे आपको स्लॉट दिख रहे हैं यहाँ पे ये फंस जाते हैं। ठीक, तो इनका यूज़ क्या होता है फिक्सचर को सही तरह से लोकेट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलता है ड्रिल जिग में ड्रिल बुशेस का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ड्रिल बुशेस दिखाए थे तो उनका ये उपयोग पूछ रहा है। ये देखिए ये बुश का डायग्राम है। ठीक है, ये इस तरह से यहां पे बुश लगता है, तो ये पूछ रहा है कि ड्रिल बुश का काम क्या होता है। तो आपके सामने ऑप्शंस है बेस प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, ड्रिल प्लेट को सपोर्ट करने के लिए, कटिंग टूल को गाइड और लोकेट करने के लिए, जॉब के मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने के लिए। तो सीधे सीधा हमको पता है कि जो हमारा बुश होता है किस काम आता है, कटिंग टूल को गाइड और लोकेट करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। लास्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ फिक्सचर, इस फिक्सचर का नाम क्या है। ठीक है, तो आपको याद करना पड़ेगा इसको हम बोलते हैं इंडेक्सिंग फिक्सचर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर इंडेक्सिंग फिक्सचर। ठीक है, इंडेक्सिंग फिक्सचर जो हमारे इक्वल डिस्टेंस में जो चीजें होती हैं उनको मशीनिंग में हम यूज करते हैं इंडेक्सिंग फिक्सचर का। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडेक्सिंग फिक्सचर। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। इसके साथ ही हमने फिटर थ्योरी सेकेंड ईयर का सारा सिलेबस अपने चैनल में कवर कर दिया है, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, इंजीनियरिंग ड्राइंग के एमसीक्यूज, ट्रेड थ्योरी के एमसीक्यूज सारे आपको इसी चैनल में इसी प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे विद कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज की हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।